बसंत पंचमी का पर्व वैसे तो दुनिया भर में हिंदू समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन ब्रजभूमि में इस पर्व का अपना अलग ही महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रज में आज से ही 40 दिवसीय होली पर्व की शुरुआत हो जाती है। मंदिरों में होली खेलने की शुरुआत होने के साथ ही ब्रज में होली का डाड़ा गढ़ने की परंपरा रही है। आज के दिन यहां के सभी प्रमुख मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। ऐसा ही मन भावना नजारा आज विश्व विख्यात बागे बिहारी मंदिर में भी देखा जा सकता है, जहाँ जमकर अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। प्राचीन परंपरा के अनुसार मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के सिवाय ठाकुर गोस्वामी बागे बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के इस पर्व की विधिवत शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही इस पल की साक्षी बनाने के लिए मंदिर प्रांगण में उम्र श्रद्धालुओं पर सेवाद गोस्वामियों द्वारा जमकर बसंती गुलाल उड़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में होली की विधिवत शुरुआत होने के साथ ही ये नजारा किस तरह कदर खुशमनवा हो जाता है और सिर्फ अभीर गुलाल ही गुलाल नजर आता है। सैयद गोस्वामियों द्वारा जहां अभीर गुलाल बरसाया जा रहा है, वहीं श्रद्धालु भी इस गुलाल से बचने की बजाय उसमें सरोवर और आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के साथ होली खेलने के पल का खूब आनंद उठा रहे हैं। साथ ही एक दूसरे को अभीर गुलाल लगाते हुए खुशी भी मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बिहारी जी में मन ही खुश हो जाता है जब ठाकुर जी में बिहारी जी में आते हैं। बहुत बिहारी जी तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, देखने लायक मनमोहक दृश्य उनका, बहुत अच्छी छवि। हाँ यहाँ पे शुरू हो गई है अपने बिहारी जी में होली स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम ममता वर्मा, आगरा से। समृद्धि पंजाब से। ब्रज यहाँ का बहुत ही सुंदर मनमोहक दर्शन बिहारी जी होते हैं। बसंत पंचमी में ठाकुर जी को होली का पहला टीका लग जाता है और यहाँ बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं बिहारी जी के। बहुत श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, विठल विपुल बिहारी दास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, राधे राधे श्री कुंज जी। आज बसंत उत्सव पे वृंदावन में क्या क्या आयोजन होने जा रहे हैं? जय बिहार जी महाराज की। मेरा नाम अनंत बिहारी गोस्वामी, मैं बाकी बिहारी मंदिर का मुख्य सेवाधिकारी हूँ। बसंत पंचमी के दिन यहाँ के बिहार जी महाराज के मंदिर में पीले कलर के फूलों से मंदिर को सजाया जाता है। आज के दिन ठाकुर जी को बसंती ही रंग की पोशाक पहनाई जाती है। आज के दिन से और होली तक यानी कि 40 दिन तक यहाँ ठाकुर जी को रोज गुलाल लगाया जाएगा। आज ठाकुर जी का फेंटा बांधा जाएगा और होली पर तीनों समय आज श्रृंगार आरती, राजभोग आरती और शयन आरती तीनों पे अंदर से गुलाल डाला जाएगा। यही यहाँ प्रक्रिया चलेगी पूरा महीने। उसके अलावा आज ठाकुर जी को पीले ही भोग लगाए जाएंगे केसर, ऐसे ही ठाकुर जी का सारा अभिषेक हुआ है। उसके बाद ठाकुर जी को केसर का भोग, केसर के द्वारा जो व्यंजन बनेंगे उन सबका ठाकुर जी को आज भोग लगेगा। आज ही के दिन वृंदावन के अंदर एक मंदिर है शाहजी का मंदिर, वहाँ पर बसंती कमरा है, वो भी आज ही के दिन खुलता है। मेरी बिहार जी महाराज से प्रार्थना है कि बसंत पंचमी आप सबके जीवन के अंदर बसंत उत्सव की तरह मनाई जाए, आपके जीवन में रंग यही भरे रहे। यही प्रार्थना है बिहार जी महाराज से आप सभी।